और कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ धनबाद जिला प्रशासन नए नए कोविड अस्पताल बनाने के लिए भवन की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं धनबाद में अंग्रेजी राज में बनी ऐतिहासिक कुष्ठ प्रशिक्षण अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। एक डॉक्टर के भरोसे चल रही कुछ अस्पताल और वहीं ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पूर्वजों के चंदे से बनाए गए अस्पताल अपनी जीर्णोद्धार के लिए किसी मसीहा के इंतजार में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तेतुलबारी का ये विनोद बिहारी महतो जनरल हॉस्पिटल, पहले इसे कुष्ठ अस्पताल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक है। जरा सा इस बोर्ड को एक बार गौर से देखिए और नजर दौड़ाइए। इस अस्पताल का उद्घाटन ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सर मॉरिस गार्नियर हॉलेट ने 24 अक्टूबर 1937 को किया था। धनबाद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर तेतुलमारी में स्थित विनोद बिहारी महतो जनरल हॉस्पिटल और कुष्ठ प्रशिक्षण केंद्र। ब्रिटिश काल में इस ऐतिहासिक कुष्ठ प्रशिक्षण केंद्र और अस्पताल का उद्घाटन बिहार के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर सर मॉरिस गार्नर हैलेट ने 24 अक्टूबर 1937 को किया था। 26 एकड़ में फैले इस अस्पताल के निर्माण में झरिया स्टेट के राजा शिव प्रसाद सिंह समेत आम से लेकर खास लोगों के चंदे से हुआ था। कभी यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा चिकित्सक और स्टाफ हुआ करते थे। कुछ रोगियों के इलाज के साथ पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई थी। अस्पताल परिसर में 34 इंदिरा आवास बने हैं, लेकिन आज सरकार की उदासीनता के कारण अस्पताल जर्जर और बेकार पड़ा है। बस एक डॉक्टर और एक किरानी, 2 पैरामेडिकल स्टाफ के सहारे 30 बेड का अस्पताल चल रहा है। संसाधनों के अभाव में दवा और इलाज दोनों बंद हो गया है। बस नाम मात्र के इक्के दुक्के मरीज ही अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल की बदहाली डॉक्टर और कर्मी खुद बयां करते हैं। में एक कुष्ठ निवारण प्रशिक्षण केंद्र है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें भी करीब 30 बेड का भी है, तो अगर वो हो जाता तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। वो जो तेतुलमारी वाला है वो अस्पताल बदहाली पड़ा हुआ, उसका सेवन पड़ा हुआ, उसमें ना बेड है ना कुछ है। तो पहले तो मेरा जो जहाँ पर ऑलरेडी मैन पावर जो भी फैसिलिटी है उसको हम लोग लाइन अप करेंगे, और फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग उसको भी अधिग्रहण करें। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं तेतुलमारी अस्पताल के बारे में, तो ये इस अस्पताल का यही विडम्बना है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये भवन है अस्पताल का, और आज तक कई वर्षों से ये इसी तरह से पड़ा हुआ। पहले तो कुष्ठ रोगी को यहाँ रख दिया जाता था, वो लोग भीख मांग कर अपना पेट पालते थे, सरकार के तरफ से कुछ नहीं दिया जाता था। अभी कुछ वर्षों पहले ये देखा गया कि उसको विनोद बिहारी जनरल हॉस्पिटल की संज्ञा देकर उसको चालू की गई थी। पूर्व के सरकार में ये काम हुआ था, तो अस्पताल बनाना और कागज में बनाना एक अलग बात होता है। अस्पताल के पीछे 10 कुष्ठ मरीजों के लिए स्थायी आवास बनाए गए। वहीं अस्पताल परिसर में डॉक्टर और स्टाफ के रहने के लिए भी आवास बनाए गए, लेकिन फिलहाल सभी आवासों पर अवैध कब्जा है और कुछ सरकारी भवन जर्जर होकर ध्वस्त हो रहे हैं। एक जमाने में इस ऐतिहासिक अस्पताल में ऑपरेशन से लेकर मरीजों के इलाज की तमाम सुविधाएं हुआ करती थीं। 2011 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू ने इस अस्पताल को जनरल रेफरल अस्पताल का दर्जा देते हुए विनोद बिहारी महतो अस्पताल का उद्घाटन किया। कभी अनुमंडलीय अस्पताल बनाने की तैयारी थी, लेकिन आज शिलापट भी झाड़ियों में छिपकर जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल में भी अस्पताल की सुध लेने कोई नहीं आया। जिसमें मैं आया था उस समय यहाँ पे मैं ही अकेले था और कोई चिकित्सक नहीं थे। एक मैडम आई थी, तो फिर उनका वो स्टडी लीव पे गई और फिर यहाँ पे फिर उनका पदस्थापन नहीं हुआ है। तो अब मरीज यहाँ के सभी तरह के मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए या कुछ सिर्फ कुष्ठ वाले ही आते हैं? नहीं, सभी तरह का। अस्पताल 24 अक्टूबर 1937 को MC हैलेट जो उस टाइम का गवर्नर थे उसके द्वारा उद्घाटन हुआ था। उसके बाद उस जमाना में
हमारे झरिया राजा, जो झरिया राजा हैं, 7,000 रुपया उस जमाने में 1937 में दान के रूप में दिए थे। और भी बहुत ऐसा दानवीर थे जिसका बोर्ड में नाम अंकित है। उस वही लोग का ये दान से ये हॉस्पिटल बना था। इधर धनबाद आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर सुशील कुमार भी धनबाद में स्वास्थ्य की बदहाली पर चिंता जता रहे हैं। धनबाद में स्वास्थ्य सिस्टम फेल हो गया है, बिना डॉक्टर भला अस्पताल किस काम का। वहीं धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास का कहना है कि कोविड 19 अस्पताल के तहत इस अस्पताल को भी लेने की तैयारी जिला प्रशासन करेगी। एक तरफ धनबाद जिला प्रशासन कोविड 19 के तहत मरीजों के इलाज के लिए नए जगह की तलाश कर रही है ताकि मरीजों को वहां रखकर इलाज किया जा सके, तो दूसरी ओर धनबाद के तेतुलमारी स्थित इस अस्पताल को देखने वाला कोई नहीं है और ये आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सवाल यह है कि आखिर इस अस्पताल की सूरत हाल कब बदलेगी, कोई नहीं जानता। सहयोगी दीपक और कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद।